Which approach? Modern approach, right? Which approach we have done? Modern approach, right? What was that approach, beta? Should I tell the format? No, no. What was modern approach? What were the various nomina and accounts included in modern approach? Cash, capital. Sorry, assets. एक मिनट बेटा फोन आ रहा है. कैन यू वेट प्लीज. हाँ जी बेटा. हाँ वी आर डूइंग द मॉडर्न अप्रोच जिसमें आपका वो इंक्लूड था एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल एंड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज राइट. राइट अनुष्का. राइट. और उनके रूल्स भी याद हैं. दैट इज एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं जब इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट होते हैं जब डिक्रीज होते हैं. Right. Today we do traditional approach. Okay. Under traditional approach, the accounts are divided into three major categories. These are personal accounts, right? Real and nominal. पर्सनल नाम से पता चल रहा है द नेम्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल द पर्संस जिनसे हम डील करते हैं. द अकाउंट्स ऑफ ऑल द पर्संस दीज आर नॉन एज पर्सनल अकाउंट्स राइट. फॉर एग्जांपल आप जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम गुड्स सोल्ड टू मनोज एंड ऑल दैट. सो दीज आर पर्सनल अकाउंट्स right. So the accounts of all the persons they come under the category of personal accounts. Now personal accounts further classified in three categories. One is natural persons. Natural persons means जिनकी physical existence है. Second is artificial persons. Artificial persons जिनकी physical existence नहीं है but फिर भी हम उनके साथ deal करते हैं. They are artificially comes into existence. And last is representative personal accounts, also known as impersonal accounts. सो नेचुरल पर्सन्स के अंदर आपके आते हैं जैसे नेम जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं राम मोहन श्याम दीज आर ऑल नेचुरल पर्सन्स. आर्टिफिशियल पर्सन्स में जैसे ए बी लिमिटेड कंपनी है ठीक है ना कोई फर्म है एक्स वाई फर्म है तो ये आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं क्योंकि आप इनके साथ भी डील करते हो. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो किसी को प्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं. हम उनका नेम नहीं लिखते हैं बट दे रिप्रेजेंट सम पर्संस. इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है
कल हमने किया था लास्ट क्लास में. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोप्राइटर को, बिजनेसमैन को, है ना. एक ट्रांजेक्शन थी ना, मोहन द प्रोप्राइटर, और उसके लिए हम किसमें डील कर रहे थे? कैपिटल अकाउंट में. सो कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सिमिलरली ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स एक्चुअल में तो कुछ कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अगेन प्रोप्राइटर को. बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? द बैंकर जिनसे हमने पैसे लेने हैं, द बैंक जिनसे हम डील करते हैं. सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, दीज आर ऑल एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम्स, ये सब आपके कौन से अकाउंट्स हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट आ जाता है, तो पर्सन का किसी का अकाउंट आ जाता है, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है. तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर. दैट इज, अगर बिजनेस से कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, ही विल बी डेबिटेड. एंड क्रेडिट द गिवर, और अगर कोई पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे. राइट, यस. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कि मैं अब नेक्स्ट जा रही हूं. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम, राइट बेटा. अब आपने जब इसको आइडेंटिफाई किया, इसमें एक राम नाम आ गया. इसमें दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है? सेल्स एंड राम, राइट. इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है? सेल्स एंड राम. राम कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल, राइट. अब आपने जब, व्हेन यू सोल्ड गुड्स टू राम, इज द राम रिसीवर और गिवर? रिसीवर, तो ही विल बी डेबिटेड. सो हमें ये तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि नेचुरल है या नहीं. नहीं 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 नहीं, दैट इज, देयर इज नो नीड. ये सिर्फ मैंने आपको थ्योरी में पूछ सकते हैं, सिर्फ इसलिए बताया. अदरवाइज तीनों कैटेगरीज के लिए यही रूल है. ठीक है बेटा. द नेक्स्ट कैटेगरी इज रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स इज द अकाउंट्स ऑफ ऑल द एसेट्स. ऑल एसेट्स, एसेट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं वो रियल हैं, राइट. द अकाउंट्स ऑफ ऑल द एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, वट एवर रियल एसेट्स आर देयर, उन सब अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं. और इसके लिए रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर बिजनेस में कोई एसेट आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस से कोई एसेट जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेस्ड. नाउ इन दिस केस, विच टू अकाउंट्स आर देयर? फर्नीचर एंड कैश, राइट. फर्नीचर एंड कैश. अब आपको पता है फर्नीचर और कैश दोनों ही कौन से हैं? एसेट्स. सो ये दोनों ही रियल अकाउंट्स हो गए, राइट. नाउ विच एसेट कम्स इन एंड विच एसेट गोज आउट? फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर विल बी डेबिटेड. एंड कैश गोज आउट, तो कैश विल बी क्रेडिटेड. तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन इट. द थर्ड कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स इज द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज,
इनकम्स, इन सब के अकाउंट्स जो हैं वो नॉमिनल हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं. इनके लिए रूल क्या है? द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कोई भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और अगर कोई इनकम या गेन हो रहा है उसे क्रेडिट करो. दिस इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट इज सैलरी एंड कैश. व्हाट्स द नेचर ऑफ सैलरी अकाउंट? नॉमिनल है ना, क्योंकि एक्सपेंस है. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश? एसेट. इट मींस कि सैलरी के लिए हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे और एसेट के लिए, कैश कैश के लिए रियल का रूल लगाएंगे. तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट? तो सैलरी विल बी डेबिटेड. और रियल का रूल क्या है? कैश आया कि गया? गया. तो क्रेडिट व्हाट? goes out. So cash will be credited. So you can see in every transaction one aspect will be debited and another will be credited automatically under these rules, under these approaches. Chahe aap asset, modern approach apply kar lo, chahe traditional approach apply kar lo, the logics will be same, logics will be applicable, and your journal entries, your transactions will be same. तो बेसिकली आपको ये रूल्स याद रखने हैं जब भी अब हमने क्वेश्चंस करने आगे जर्नल करने हैं. तो दीज रूल्स, दीज आर एप्लीकेबल, इधर दीज रूल्स और द अदर रूल्स हैं कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, एसेट कम होती है, जो हमने मॉडर्न अप्रोच में रूल्स किए हैं. राइट बेटा, क्लियर है ट्रेडिशनल अप्रोच? ओके, इसको नोट डाउन करो, देन विल डू द क्वेश्चंस. हाँ जी, ये देखो. यस, दिस क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. तो पहले क्लासिफिकेशन करें. वी हैव डन पर्सनल, रियल, नॉमिनल, राइट? नाउ क्लासिफाई करते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट. यस. एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इज बेसिकली व्हेन गुड्स आर बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो जो क्लियरेंस चाहिए हमें एयरपोर्ट पे वो तो होती है एक्साइज ड्यूटीज वगैरह पे करनी. तो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर अस, तो इट विल बी नॉमिनल, राइट? क्रेडिटर्स creditors persons होते हैं ना basically. okay, so personal account. personal, right? capital, personal account. yes. motor vehicles, real account. right. Money. right. real. goodwill is our reputation. it is an asset for us. real account. real. investment भी हमने invest किया कहीं पे, तो this is again a real account. इन्वेस्टमेंट किया ना, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें फ्यूचर में कुछ मिलेगा उसके बदले में, तो दैट इज द एसेट अकाउंट. सैलरी, नॉमिनल. डेटर्स, पर्सनल अकाउंट. यस यस. बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं? हमने लास्ट क्लास में टर्म की थी ये. When the debtors are unable to make the payment, right? So it's a loss for us. Nominal account. Nominal account. Right. Next word, depreciation. Personal. Depreciation क्या होता है बेटा? Decrease
ओके देन नॉमिनल आई यस वेजेस नॉमिनल यस रिपेयर्स इट्स एन एक्सपेंस नॉमिनल रमेश अ डेटर पर्सनल इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट सो बैंक अकाउंट पर्सनल में बताया था मैंने तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल आ जाएगा सो एनी अकाउंट रिलेटेड विद बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट परचेजेस रिटर्न्स परचेजेस सेल्स और उनसे रिलेटेड जो रिटर्न्स है वो नॉमिनल ड्रॉइंग्स यस फ्रेट व्हाट्स दैट फ्रेट इज अ नॉमिनल एंड रिटर्न इनवर्ड्स इज अनदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न I again repeat, return inwards is another name for sales return and return outwards is another name for purchases returns. So you can write it in your notebook, please. Return inwards is sales returns and returns outwards is purchases returns. Return inwards is a sales returns, right? And ma'am, what's freight? Freight is again similar to carriage. Goods को जब हम लोग एक town से दूसरे town लेके जाते हैं, tolls जो pay करने पड़ते हैं, that is freight. तो जो freight है, sorry? Income returns क्या है? Sorry Anushka, I couldn't get it. इनकम रिटर्न्स भी है क्या कुछ नहीं 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 देन इंटर रिटर्न्स नो इनकम रिटर्न्स अच्छा इनकम रिटर्न्स इज इनकम टैक्स जो जो हम लोग पे करते हैं इनकम टैक्स पे किया जाता है ना हमारी इनकम के ऊपर दैट इज इनकम रिटर्न्स क्लियर है बेटा चलो हैव वी डन दिस क्वेश्चन लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश टुमारो इन द लास्ट क्लास हमने किया था ये क्वेश्चन बेटा नहीं चलो आज यही क्वेश्चन करेंगे हम एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और हम लोग इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है बेटा चलो सेम हम लोग वैसे ही बनाएंगे अकाउंट्स ऐसे बनाते हैं फॉर्मेट बनाएंगे सेम ट्रांजेक्शन लिखेंगे यहाँ पे फिर नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे सॉरी अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड देन नेचर ऑफ अकाउंट्स देन डेबिट क्रेडिट सो व्हाट वाज़ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख
हाँ जी बताओ बेटा, इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? कैश एंड कैपिटल। कैश एंड कैपिटल। अब मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली बस लिख रही हूँ, अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं आपके कैश एंड कैपिटल। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कैश कौन सा, सॉरी हाँ ट्रेडिशनल के अंदर इसका नेचर बताओ, कैश का नेचर कौन सा अकाउंट है ये? रियल। और कैपिटल? पर्सनल। पर्सनल। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? व्हाट्स द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिटेड व्हेन कैश कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ हियर व्हेन बिजनेस स्टार्टेड कैश कम्स इन और आउट? इन। इन। सो इट विल बी डेबिटेड। तो कैश विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 3 लाख। राइट बेटा? यस मैम। राइट। व्हाई कैपिटल क्रेडिटेड? कैपिटल्स का पर्सनल, पर्सनल का नेचर क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ हियर प्रोप्राइटर इज गिविंग कैश टू द बिजनेस, सो ही इज अ गिवर, इसलिए उसको क्रेडिट किया है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम शांति फर्नीचर हाउस। नाउ व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश एंड फर्नीचर, है ना? तो टू अकाउंट्स आर कैश एंड फर्नीचर। Now, what is the nature of cash? A, this is the abbreviation for account, beta. A slash C, cash and account. Now, dono ka nature batao. Real and real. Dono hi real hai na, assets hai. Now what is the rule for real? Debit what comes in, credit what goes out. अब इनमें से कौन सी, कौन सा comes in and which goes out? Will be debited. Sorry. Yes, furniture will be debited. Very good. And cash will be credited. Yes, very good. Now let's do the next transaction. Purchased goods for cash. What are the two accounts involved? Purchases and cash. Very good. Purchases and cash. Third one is purchases and cash. What is the nature of purchases account? Nominal. Very good. And what is the nature of cash account? Real. Real. Now what's the rule for nominal? Debit all expenses. Here purchases is a expense. So purchases debit ho jayega. Dekho, ek bar aapko ek account pata chal gaya na, debit hona hai credit. Dusra automatically credit ho jayega. Aur agar rule apply karna hai, तो रियल का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने जब गुड्स बाय किए कैश बाहर गया इसलिए हमें उसे क्रेडिट किया। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू पाल 35,000। व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व? कैश एंड सेल्स। कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। अब कैश कौन सा है हमारा नेचर? एंड सेल्स इज नॉमिनल। अब व्हेन यू सोल्ड गुड्स कैश कम्स इन और आउट? इन। इन। सो इट विल बी debited. So here cash account will be debited and sales account will be credited.
नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू ओम ऑन क्रेडिट व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड सेल्स एंड ओम है ना नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ओम अकाउंट पर्सनल राइट नाउ व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिटेड व्हाट इज रिसीवर नाउ हियर ओम इज रिसीवर और गिवर He is receiving something from business or giving something to business? Receiver. Receiving. Goods receive kar raha hai na wo. So he will be debited. So here Om will be debited. Om is a personal account. So he will be debited with 60,000. And sales is a nominal account that will be credited with 60,000. Deposited cash in bank. What are the two accounts involved? Cash and bank. Right. What's the nature of cash account? Real. And what's the nature of bank account? Real. Bank account is personal. Right. After that, you will be able ki when deposit kiya cash mein, to cash comes in or cash goes out. Cash goes out. Goes out. Very good. So it will be credited or debited? Debited. What's the rule for real? Cash what comes debit what comes in and credit. And here cash goes out now. So that will be credited. Very good. Received a check from Om. Om se check received ki hai and deposited Om's check the next day. So whenever we receive check from Om, the two accounts involved are because here it is written that check is received but it is deposited the next day. So whenever check is received but deposited the next day, तो हम उसको चेक्स इन हैंड बोलते हैं सी हियर इट इज रिटन चेक्स इन हैंड राइट तो यहाँ पे चेक्स इन हैंड आएगा और एक ओम आ जाएगा एंड चेक्स इन हैंड इज अ पर्सनल अकाउंट सॉरी रियल अकाउंट और ओम पर्सनल अकाउंट है तो एसेट आपके पास आई है रियल का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन तो चेक्स विल बी डेबिटेड एंड ओम विल बी क्रेडिटेड एंड व्हेन यू डिपॉजिट द चेक्स अदर डे तो हु दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं बैंक एंड चेक्स इन हैंड तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट ही इज द रिसीवर बिकॉज ही इज रिसीविंग चेक्स फ्रॉम अस सो ही इज Bank is a personal account receiver, so he will be debited and checks in hand will be credited. Next, borrowed from Sohan. What are the two accounts involved? Sohan and borrow kiya to money aayi na aapke paas cash aaya. Theek hai? To Sohan is a personal account. एंड मनी आपके पास आई है तो कैश कम्स इन तो कैश विल बी डेबिटेड एंड सोहन विल बी क्रेडिटेड परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम हरियाणा सेफ तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हरियाणा सेफ बिकॉज कैश में नहीं है ना राइट तो फर्नीचर के लिए द रियल अकाउंट एंड फॉर हरियाणा सेफ पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया ना ये फर्म बिजनेस का नेम है तो फर्नीचर कम्स इन सो इट विल बी डेबिटेड एंड हरियाणा सेव इज द गिवर सो इट्स विल बी क्रेडिटेड
पेड इंटरेस्ट ऑन लोन. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्वड? कैश राइट एंड इंटरेस्ट. राइट. व्हाट्स द नेचर ऑफ कैश? इट्स रियल. व्हाट्स द नेचर ऑफ इंटरेस्ट? नॉमिनल. वेरी गुड. सो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? कैश विल बी क्रेडिटेड. हाँ, बिकॉज इट गोज आउट. पेड रेंट बाय चेक. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्वड? कैश एंड हेयर. चेक से पेमेंट हुई है ना तो बैंक आएगा. बैंक एंड रेंट. तो रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट विल बी डेबिटेड एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. राइट. कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है. गुड. तो वट एवर इलस्ट्रेशन आर इन योर बुक बेटा रिलेटेड टू दिस रियल पर्सनल, यू विल डू दिस. क्लियर है ना बेटा? मॉडर्न एंड पर्सनल अप्रोच क्लियर है. दिस विल बी यूज इन जर्नल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो. सो यू विल बी वेरी मच क्लियर विद दैट. राइट. नाउ विल डू टी शेप अकाउंट. राइट. चलो लेट्स डू. So for T-shape account, it is better कि आप जो rules हैं, modern rules जो हैं, modern approach के जो rules हैं, उन्हें follow किया जाए. That is better. What the rules for modern approach? That is assets will be debited. Sorry, assets and expenses will be debited if they are increase, and they will be credited if decrease. And for others, liabilities, capital and revenues. Debit indicates decrease and credit indicates increase. ठीक है बेटा? नाउ टी शेप का फॉर्मेट सबसे पहले अच्छे से आपको फॉर्मेट्स इसमें आपको सारे अच्छे से करने हैं. तो जो भी अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला गया है वो आप अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखोगे. मान लो आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है तो यू विल राइट मशीनरी अकाउंट ओवर हियर. द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज दिस साइड. दिस इंडिकेट्स डेबिट साइड. राइट. सो लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट्स डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड indicates credit side. Right. So this is the debit side and this is the credit side. Now you have to identify आपको कौन सा T shape account. देखो it's in the T shape. ठीक है. कौन सा T shape account बनाने के लिए बोला गया है. So here you will write serial number, particulars, amount. Again, serial number, particulars, amount. Now you have to see कि आपको कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला गया और ये वो इसमें से किस कैटेगरी में आता है. जैसे मेरा मशीनरी अकाउंट है. अब मशीनरी अकाउंट किस कैटेगरी का है? What's the nature of machinery account? Asset.
एसेट, तो एसेट के लिए अब हमारा रूल क्या है, डेबिट, डेबिट मीन्स दिस साइड, डेबिट साइड शोज इंक्रीज एंड क्रेडिट साइड शोज डिक्रीज. नाउ हम लोगों को एक और चीज याद रखनी है, इन एनी अकाउंट द नेम ऑफ द अकाउंट नेवर कम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट, द मशीनरी विल नॉट कम इन द मशीनरी, मशीनरी वर्ड विल नॉट कम इन द मशीनरी अकाउंट. द सेकेंड एस्पेक्ट विल बी रिकॉर्डेड. फाइन, जैसे हमने अगर मशीनरी परचेज की है तो इसमें दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हुए, कैश एंड मशीनरी. यस, कैश एंड मशीनरी. तो हम लोग मशीनरी अकाउंट में कैश वर्ड लिखेंगे, मशीनरी नहीं लिखेंगे. द सेकेंड एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, द सेकेंड एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, द नेम ऑफ द अकाउंट नेवर कम्स इन अकाउंट. फाइन, सी हमारे पास जो क्वेश्चन है, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड. तो हमने मशीनरी का अकाउंट बना लिया है. नाउ व्हेन मशीनरी इज परचेस्ड, व्हेन मशीनरी इज परचेस्ड, यू टेल मी. मशीनरी जब परचेज की तो वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज. तो हम इंक्रीज वाली साइड पे, दैट इज डेबिट साइड पे नंबर वन लिख के और दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे. तो जब मशीनरी परचेज की तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट. दूसरा एस्पेक्ट कैश ही है ना इसका. तो मेरा ख्याल 30,000 से हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने मशीन परचेज की. द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज 40,000 है, मशीनरी सोल्ड 10,000. नाउ व्हेन द मशीनरी इज सोल्ड, यू टेल मी वेदर द मशीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज ना. तो दैट विल कम दिस साइड, सेकेंड नंबर डालोगे इधर, और यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखोगे, जब मशीनरी सोल्ड करते हैं व्हाट्स द सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड बेटा जब मशीनरी सोल्ड करते हैं, मशीनरी एंड कैश. नाउ हियर व्हाट विल राइट, कैश अकाउंट. मशीनरी वोंट बी रिटन, ऑपोजिट के लिखते हैं मैम, ऑपोजिट द सेकंड एस्पेक्ट. Then the next transaction is machinery again purchased 8,000. Again, where will, on which side it will come? Increase. Increase. Aur fir se purchase hai, to third number dalke you will write cash account 8,000 se machine purchase ki. The next aspect is machinery discarded. Discarded means sold. 14,000. Where will it come? Decrease. Decrease. Next, depreciation on machinery 1,000. What's the effect of depreciation? Machine पे क्या effect होता है उसका? बताओ बेटा. What's the depreciation's effect on machine? Is it increased or decreased? What is depreciation?
डिक्रीज होना कुछ भी. हाँ तो इट मीन्स डिक्रीज हो गई ना आपकी एसेट की वैल्यू. तो यू विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000. क्लियर है? यू आर सेइंग इट्स डिक्रीज इन समथिंग, डिक्रीज इन एनी एसेट. तो डिक्रीज साइड पे हमने ये नोट डाउन कर लिया. तो पोस्टिंग क्लियर है आपको? अच्छा नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, when you sum up this side, that is when you sum the debit side, कितना आ रहा है ये total? 48,000. And what's the total of this side? 25,000. Which side is shorter, debit or credit? Credit side. कितना short है? It is, you are saying this is 48,000 and the another side is 25,000. So we will calculate the difference, that comes out 23,000. And you are saying credit side is short. So in order to balance both, मैंने यहाँ पे भी 23,000 लिख दिया और मैं फिर इनको दोनों को 48,000 लिख दूंगी. ठीक है? Now for this item, what we will write over here? We will write balance CD, that is called carried down. Ma'am, यहाँ पे minus क्यों हो गया 48,000? बेटा हमें ना balance करना है, इसको equal रखना है. Equal रखने के लिए this side comes out 25 ना, you are saying. तो हम इसमें और कितना ऐड करेंगे कि ये इस साइड डेबिट के इक्वल आ जाए, बिकॉज डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. हियर द डेबिट साइड इज 48,000 बट द क्रेडिट साइड इज 25,000. राइट? तो इन ऑर्डर टू बैलेंस, इन ऑर्डर टू गेट द डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल, वी हैव टू ऐड समथिंग टू दिस साइड. व्हाट विल बी दैट? That will be the difference of this total and this total. Right, beta? Yes, ma'am. तो हो सकता है किसी अकाउंट में ये साइड शॉर्ट आ रही हो, तो आप इस साइड पे बैलेंस लिखोगे. तो द बेसिक पर्पस इज डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. एंड जो भी साइड आपकी शॉर्ट आएगी उस साइड पे यू विल राइट बैलेंस कैरिड डाउन CD, C/D. क्लियर है बेटा? होप आई होप इट्स क्लियर टू यू. यस मैम. ठीक है, वेरी गुड. यू वांट टू राइट इट डाउन और यू हैव द हैव यू द इज दिस क्वेश्चन इन योर बुक्स? इट मस्ट बी. Actually, I don't know. Back questions. You have to see the back questions. See in the back question, is it given? Prepare machinery account. This is question number 8 over here. You check it out, please. That must be there. You have to look for it. T-shape account machinery का बनाना. चलो तो यू राइट वन सॉल्यूशन सो दैट यू हैव द आइडिया एंड यू आर एबल टू डू द अदर क्वेश्चंस. राइट?